Vou dar uma cheia de vida. De que ele é meu puto? आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर एक हृदय है, उसमें रक्त बह रहा है, नस नाड़ियां है, हड्डी है ना? आपने नहीं कहा एक मस्तिष्क है हमारे अंदर? सब में ही आपने किसी ने ये नहीं कहा? मैंने उसे सदी में आना है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो जीने वाला है, जिसको मैं कहता हूँ मैं जी रहा हूँ, है ना, वो जो जीने वाला है वो जगह वही आशा है, विचार है, इच्छा है, ये जीता है। जीने वाली जो चीज है वो ये, इसी को जीवन बोलते हैं। यदि इसमें गड़बड़ी होती है, विचार में गड़बड़ी होती है, तो व्यवहार में गड़बड़ी हो जाती है ना, शरीर में भी गड़बड़ी हो जाती है। आपको गुस्सा आ जाए तो खाना बचेगा ही, खाना हजम नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है, आप अपने होने को शरीर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। आप सब अपने होने को, आपने इसको आप इस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप शरीर हैं। आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि आपके अंदर आप कोई एक ऐसी चीज है जिसमें विचार है, उसी में आप जीते हैं। आप विचार के साथ जी रहे होते हैं, इच्छा के साथ जी रहे होते हैं, आशा के साथ जी रहे होते हैं। तो जो जीने का जो जगह है, जीवन है, वो आशा, विचार, इच्छा है, और इसी को आप अपने होने को स्वीकार करते हैं इसी रूप में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आप अपने होने को किस रूप में स्वीकार करते हैं, शरीर के रूप में, या शरीर के अंदर कोई आशा विचार करने वाला है, कोई देखने वाला है, समझने वाला है? समझता कौन है? शरीर का कोई अंग अवयव समझता है या मैं समझता हूँ? तो ये जो समझने वाला जो मैं है, मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपके अंदर क्या चल रहा है, यानी इस मैं के अंदर क्या चल रहा है, जो मैं हूँ उसमें क्या चल रहा है? तो आपने कहा विचार चल रहा है ना। यदि आप अपने को शरीर स्वीकारे होते तो क्या बोलते? कोई भी व्यक्ति है ना अपने को शरीर के रूप में स्वीकार नहीं करता, एक ही बात है। बात है, आप किसी भी व्यक्ति का शरीर के आधार पर मूल्यांकन करें। जैसे हम स्त्री को केवल शरीर माने, स्त्री को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्त्री जानती है कि वो स्त्री से शरीर से ज्यादा है। पुरुष को शरीर के रूप में स्वीकार करें, पुरुष को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शरीर से ज्यादा है। ठीक है, वो क्या चीज है, उसको अध्ययन करना। जो इस शरीर में है ना, मैं अपनी इच्छा के हिसाब से जैसी मेरी इच्छा होती है वैसा बोलता हूँ, जो मेरी इच्छा होती है वो खाता हूँ, है ना। खाने से पहले मैं जैसा विचार होता है वैसा चयन करता हूँ कि मुझे क्या खाना है, इसका चयन मैं करता हूँ। तो ये जो करने वाला है, करता, वो कौन है? मैं हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो मेरे निर्देशों का पालन करता है। मैं कहूँगा खड़े हो जाइए तो खड़ा हो जाएगा, मैं कहूँगा चुप हो जाइए चुप हो जाएगा, है ना। मैं कहूँगा आँख खोलिए तो आँख खोलेगा, मैं कहूँगा आँख बंद करिए तो बंद कर देगा, है ना। कुछ शरीर के भी कुछ निर्देश होते हैं जो जीवन ग्रहण करता है। जैसे शरीर कहता है भूख लगी है तो मैं निर्णय लेता हूँ मैं खाना खिलाऊँ, मैंने कहा शरीर भी कुछ संकेत हमारे तक भेजता है। क्या संकेत भेजता है? कि उसको भूख लगी है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, दर्द
संकेत भेजता है, उसको भी पूरा नहीं करता। यदि शरीर ये कहता है कि अभी आराम की जरूरत है, तो मैं ही निर्णय देता हूँ मुझे बैठना है कि नहीं बैठना है, मुझे सोना है कि नहीं सोना है। तो कर्ता कर्ता के रूप में कुछ बोल रहे तो कर्ता के रूप में मैं ही शरीर के माध्यम से मैं करता हूं, शरीर माध्यम है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा शरीर के माध्यम से करता हूं, है ना। और मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर आशाएं हैं, विचार हैं, आकांक्षाएं हैं, है ना, मेरे अंदर तुलन है, विश्लेषण है, मेरे अंदर सुख है, दुख है। सुख दुख शरीर को होता है, मुझे होता है, मुझे होता है, है ना। तो यदि जैसे आपने कहा ना कि दर्द से फिर मैं भी शरीर क्यों होती है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि दर्द होता है, ठीक है ना, तो यदि दर्द का संकेत मैं ग्रहण करता हूँ तभी मुझे दर्द होता है, तभी मैं दुखी होता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पैर में दर्द हो रहा है और आपके पैर से जो ब्रेन तक जाने वाली जो ज्ञान वाली तंत्र है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए तो आपको दर्द का पता ही नहीं है। जैसे मैं क्लास लेता हूँ, है ना, कल मैंने दिन भर 6 घंटे चलाया आपके बीच, आज भी मुझे 2 घंटे हो गए, तो मुझे अभी दर्द का संकेत नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत आत्मिक भाव से आपको पढ़ा, मेरा ध्यान जीवन में अपने अंदर में, मेरा ध्यान पैर पे नहीं। लेकिन जब क्लास खत्म होती है तब मुझे दर्द होता है, तब मेरा ध्यान शरीर पे आ जाता है। मतलब दर्द का जो है संबंध वो हमारे दिमाग से, हमारे माइंड का स्वीकार करते हैं तो या खाली मन से है, जब हम निकम्मे होते हैं तब हमें महसूस होता है। कहते हैं ऐसा कि माइंड डाइवर्ट कर लो अपना, यदि मैं जी क्या दर्द को हम नकार सकते हैं, दर्द को नकार सकते हैं, दर्द को हम नकारे हुए दर्द को कौन स्वीकार करता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बताइए कोई ऐसा आदमी है जो दर्द को स्वीकार करता है, नकारने का मतलब ये नहीं बोल रहा, जैसे दर्द हो रहा उसको हम लोग ऐसा भी हम उसको नहीं हम दर्द नहीं हो रहा ऐसा हम कभी कर सकते हैं। आप अभी अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, 50 रुपए का दर्द हो रहा हो, आपका ध्यान अगर दूसरी तरफ रहेगा तो दर्द का पता नहीं लगेगा। आपका जैसे आपके पास ऐसी कोई प्रैक्टिस हो कि आप अपना ध्यान दर्द से हटा सको, आपको महसूस नहीं होगा, ऐसी क्रियाएं हैं ये करें, इससे भी ठंड ना हो सकती, तो प्रकृति का नियम है। तो अगर हम नहीं जा रहे हैं तो एक सीमा सीमा तक हम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करें तो शरीर जो है प्रकृति के नियमों से संचालित है, तो उसके बाद वो नियम विरुद्ध जाने के कारण से शरीर और ज्यादा रोग होता है। तो हमको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। मानव शरीर ऐसा है उसको सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए मानव परंपरा में वस्त्र आदि का जो है आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार है। यदि मानव को इसकी जरूरत नहीं होती तो कपड़े की जरूरत नहीं थी, जब सारे कपड़े नहीं पहनते। मानव शरीर रचना इस प्रकार की है कि उसको संरक्षण की जरूरत है। हेलो मैं जानता हूँ
कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमें पता है कि पैर में हमारा ये खत्म हो जाता है तो हमको दर्द महसूस नहीं होता है, उसके बाद जैसे नया गाड़ी खरीदते हैं उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता, लेकिन गाड़ी में दर्द रहता है हमको दर्द होता है ऐसे तो है। नहीं, पहले तो मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूँ। जैसे मुझे एक बार यहाँ गठान हो गई तो मेरी जो सर्जन थी उन्होंने कहा कि हम इसको काट देते हैं, दर्द होता था तो मैंने कहा कि काट दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं काटूंगी इसको तुम देखना चाहते हो, मैं करके दिखा दीजिए, मैं दिखा सकते। तो मेरी सर्जरी के समय एक आईना लगा दिया सामने और उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, वो काट दिया, मुझे कुछ पता नहीं लगा है ना, वो कैची से काट रहे थे, सब रहे थे, निकाल रहे थे, ये आईने में दिख रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था कोई ऐसे ऐसे काट रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। तो ये विधि है, एनेस्थेसिया एक नाम की चीज पहचाने की रसायन के। दूसरी विधि है, मैंने एक आदमी को देखा उनको पेट में फोड़ा हो गया था, तो कहीं पेट जैन साधु थे उनको फोड़ा, उन्होंने कहा मैं एनेस्थीसिया नहीं लेंगे, आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन कर दिया, करवा दिया। तो उनसे पूछा ऐसा कैसे किया, उन्होंने कहा मैं ध्यान को दूसरी तरफ ले गया, ध्यान दूसरी तरफ ले जाके दर्द से, जैसे मैंने अभी अपने उदाहरण दिया कि मेरा ध्यान अभी जो है पैरों पर नहीं है, पैरों पर आएगा तो दर्द लगेगा। तो ये भी एक विधि, लेकिन मैं इसकी ज्यादा देर तक उपेक्षा नहीं कर सकता, जैसे मैं मान लीजिए कि 20-25 घंटे तक पढ़ाते ही हम खड़े हो सकता है ये पैर जाम हो जाए, जैसे आप कभी वहां गए वैष्णो देवी, तो जैसे आप जोश में हैं ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, फिर जोश में दर्शन करके जोश में नीचे उतर जाएंगे, इसके बाद आप जब चलते रहेंगे तब तक तो आपको ठीक लगेगा, अगर आप सो गए तो आपके पूरे पैर में गांठें पड़ जाएंगी, जाम हो जाएगा, फिर वो 3-4 दिन में तो नॉर्मल होता है। तो प्रकृति के जो नियम है, शरीर के संचालन के जो नियम है, उनकी भी बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, शरीर की अपनी सीमा, वो प्राकृतिक नियमों से चलता है ना, तो प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके हम जिएंगे तो शरीर में और ज्यादा रुग्णता आएगी। ये सब जिद नहीं करना चाहिए, हम ठंड में जो है खाली बदन रहेंगे, गर्मी में हम ये करेंगे, क्यों नहीं भाई, कपड़ा खोल लिया गया है, आसानी से उपलब्ध है, कपड़ा पहन लीजिए, काय को इसके लिए साधना करना है, हम जो है 0 डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़े के बैठ के जब करेंगे, क्योंकि आपकी दो प्रकार की मानसिक श्रम लगेगा, एक श्रम ही लगेगा ठंड का जो प्रभाव से बचने के लिए, दूसरा श्रम लगेगा अज्ञात को जानने के लिए जो आप जाप कर रहे हैं, दो श्रम, एक श्रम से मुक्त हो जाओ ताकि जो दूसरा जो श्रम करना है वो ठीक से कर सको। ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा क्या, उसको जैसे जीवन शरीर को छोड़ देता है तो शरीर सड़ता रहता रहे, कुछ भी नहीं होता, आप नींद में रहते हैं तो आपको नींद में बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती शरीर की, क्योंकि ये जो जीने वाला है वो जीवन है ना, शरीर के संकेतों को ग्रहण करना, शरीर का संकेत भूख लगती है, भूख किसको लगती है, शरीर को लगती है, हम जैसे खाना खिला देते हैं शरीर को, भूख शांत हो जाती है तो भूख का संकेत जाता है, ठंड का संकेत जाता है, ठंड किसको लगती है, हम ये कहते हैं कि हमारे विचार को कब कभी लग रही है। तो सर जो जैन लोग हैं जो अक्षकांबर दिगंबर दोनों भी हैं बटर वे जैन वहाँ तो दिगंबर आपको पेड़ डालते हैं जी, कितनी बड़ी जब वो यात्रा करते तो पेड़ डालते, तो इसका यानी वह ध्यान हमारे कहीं और डाइवर्ट कर लिया, उन्होंने अभ्यास कर लिया, वो नहीं डालते अभ्यास, जैसे गाय कपड़े नहीं पहनती, शरीर उसके शरीर का अभ्यास है, जन्म से ही वैसी है। अब जो जैन मुनि
नहीं बनता वो जन्म से नहीं होता तो उसको अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले उसके कपड़े काम होते हैं कम होते होते एक लंगोटी पे आ रहा था फिर कपड़े छोड़ते तो ये अभ्यास पूर्वक हो जाता है। जैसे अभ्यास से आप खाना बढ़ा सकते हैं जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाए एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत सारा खा सकते है ना। ऐसे ही अभ्यास पूर्वक खाने को कम कर सकते। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर उनको जॉइंटिस हो गया तो मैं वहाँ से निकला तो कहले यार मुझे जॉइंटिस हो गया। हमने कहा क्या आपको क्या लग रहा है ऐसा कि आपको लग रहा है जॉइंटिस हो गया भूख कम हो गई। तो हमने कहा कितना खा रहा हूँ उन्होंने कहा कुछ नहीं होगी छह रोटी खा पा रहा हूँ थोड़ा सा चावल और चार अंडे दो गिलास दूध बस इतना ही पी पा रहा ये तो अभ्यास है अभ्यास बढ़ा दी। जैसे मैं खड़े रहने का अभ्यास बढ़ा सकूं हो सकता है कि महीने भर तक खड़े रह सकता हूँ। आपने देखा होगा कि हरेश्वर बाबा होते हैं खड़े हरेश्वर बाबा हरेश्वर बाबा अभ्यास को जैसे एक मजदूर पत्थर तोड़ता है ना वो दिन भर तोड़ता है और यदि आप मेरे से ये पत्थर तोड़िए तो मैं तो आधे घंटे में थक जाऊंगा लेकिन मैं अभ्यास पूर्वक छह घंटे दस घंटे तोड़ सकता हूँ तो धीरे धीरे उसमें मुझे सात दो साल अभ्यास लगेगा धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक हो सकता ठीक है। तो शरीर और जीवन ये दो चीजें हैं है ना। तो जीने वाला मैं जीवन मैं शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता हूँ बोलता हूँ देखता हूँ सुनता हूँ सुखी दुखी होता हूँ विचार करता हूँ है ना। मेरे अंदर में आशा होती है इच्छा होती है ना। इच्छा पूरी हो जाती है तो सुखी होता हूँ इच्छा पूरी नहीं होती दुखी होता है ना। मेरा विचार अच्छा रहता है ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता विचार में तो मैं सुखी रहता हूँ। विचार में ईर्ष्या द्वेष है ना अपराध बदले की भावना ये सब रहती है तो मैं दुखी होता हूँ है ना। तो सुखी दुखी होने वाला मैं करता मैं करने वाला मैं ये समझ में आता है कि इसमें कोई प्रश्न है। अब देखिए जैसे जैसे पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र में एक संबंध है ना संबंध कैसा संबंध है आप एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे आपको दुख हो तो पिता को दुख होता है ना। आप सुखी हो तो पिता को सुख होता है। पिता का कोई अपमान करे तो आप अपमानित महसूस करते हैं पीड़ा है ना। पिता को सम्मान में नहीं उनका यश पड़े आपको अच्छा लगता है मेरे पिता है ना। जबकि शरीर अलग अलग दो शरीर अलग अलग आपका शरीर अलग है उनका शरीर अलग है कोई एक ऐसी चीज है जो आप दोनों को जोड़े हुए उनका सुख आपका सुख है उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा है उनका सम्मान आपका सम्मान है ना। ये रिलेशनशिप में होता है इसी को संबंध है एक ऐसा बंधन है ना। उस बंधन से या कुछ एक ऐसा तार जुड़ा हुआ है ऐसा बोलते हैं कि जिसमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है एक जैसा महसूस होता है ना। रिलेशनशिप होती है जिसको हम स्वीकार करते हैं रिलेशन के रूप में तो होता है नहीं होता तो नहीं रिलेशनशिप नहीं रहती है तो नहीं होता। जैसे कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार मिला हमको याद है नोबल पुरस्कार मिला क्योंकि हम एक संबंध पहचाने हुए हमारे देश का है ना। इससे ज्यादा तो हम नहीं जानते लेकिन बहुत सारे लोगों को इसी साल नोबल पुरस्कार मिला हमको याद ही नहीं हमने उनके साथ संबंध हमने उनके साथ संबंध को नहीं पहचाना है ना।
मन को पहचानते हैं उसी के साथ ये संबंध का जो अंतर संबंध है, जो प्रवाह है, भावों का, मूल्यों का जो प्रवाह है, वो बहता है। संबंध को नहीं पहचानते तो नहीं बहता, ठीक है। तो ये जो संबंध को पहचानने वाला कौन है, शरीर है कि मैं हूं, जीवन है? संबंध को कौन पहचानता है? शरीर के रूप में तो कोई है नहीं। जिसको हम लोग शरीर संबंध कहते हैं वो केवल पति पत्नी संबंध होता है, उसका एक निश्चित प्रयोजन है, संतति पैदा करना, मानव परंपरा को बनाए रखना। लेकिन पति पत्नी संबंध में भी है ना, जो शरीर संबंध है वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, और उसका एक निश्चित प्रयोजन है ना। बाकी तो सारे संबंधों में कोई शरीर संबंध नहीं होता है ना, पति पत्नी संबंध में भी नहीं रहता, वो भी क्षणिक अल्पकाल के लिए रहता है, और वो एक नैसर्गिक है, मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए है ना, जरूरी है, प्राकृतिक क्रिया है, उस रूप में है। बाकी सारे संबंध जो है, चाहे वो पिता पुत्र हो या पुत्र पुत्री हो, भाई बहन हो है ना, भाई भाई हो, या मित्र संबंध हो या गुरु शिष्य संबंध हो है ना, इसमें जीवन जीवन के साथ संबंध रहता है। हर जीवन जो है, मैं, मेरे अंदर का मैं आपके अंदर के जीवन को पहचानता है, उसके साथ संबंध को स्वीकार करता है। क्या प्रोसेस होता है, मतलब इस तरह से एक दूसरे की स्वीकृति के आधार पर होता है? ये स्वीकृति परिवार में सबसे ज्यादा, जैसे समय लेट्स जिम आपको कोई दर्द होता है, मुझे भी आपको कुछ लेट्स जिम कोई इंजरी हो जाती है, मुझे भी एक दुख का भाव होता है, तो किस तरह से वो जीवन जीवन में कैसे क्रिएटिविटी बनती है? जैसे इन्होंने कहा ना, एक इन्होंने उदाहरण दिया था कि कोई आदमी कार खरीदता है, उसकी कार में खरोंच लगती है तो उसको लगता है खरोंच लगती है, हम कार को स्वीकार कर लेते हैं, मेरी कार है ना, मेरा संबंधी है। तो ये जो स्वीकृति हम उसके साथ करा रहे हैं, हम तदाकार हो जाते हैं, तो तदाकारता संबंध का मतलब ही तदाकार होना। जैसे मान लो कि आप और मैं मित्र हैं, मुझे दुख होता आपको दुख नहीं होता, मुझे सुख होता आपको सुख नहीं होता, फिर हम दोनों में कोई संबंध नहीं। मुझे मेरा सम्मान होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी संबंध नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगना चाहिए तो संबंध है। एक सर ये ब्लड रिलेशन की जो कंसेप्ट है, फिर ये मैटर करती है नहीं करती? ब्लड रिलेशन, हाँ, खून का रिश्ता जो जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने कहा हाँ, बाप और बेटे के बीच में, तो वो तो जैसे कह रहा है जीवन का जीवन से संबंध हो गया, कोई भी संबंध खून के नहीं है, संबंध है ना, लेकिन फिर तो दूसरों के प्रति ऐसा नहीं दूसरी स्त्री जो है, दूसरी महिला आपके साथ माँ की तरह जी गई तो आपके अंदर ज्यादा हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन वैसा भाव तो उससे ज्यादा भाव हो जाएगा भाई, आपको शरीर मानेगा।